नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर कुछ रैशनलिटी और तर्क संगतता की बात करने वाले लोगों से सुना होगा कि वह आपके भगवान पे, आपके जीवात्मा आदि पे विश्वास करने पर बहुत प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, और जब आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वो कहते हैं कि जब विज्ञान इसे सिद्ध ही नहीं कर पाया है तो आप इसको मानना छोड़ दीजिए, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका यह जो है इरेशनल एटीट्यूड है। आपका रैशनलिटी यही है कि आप जो है परमात्मा वगैरह को जो है मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी साइंस जर्नल में परमात्मा की बात नहीं लिखी गई है। और अगर आपको, आप जब उनकी बातों से हर्ट हो जाते हैं, उनके इन प्रकार के कुतर्कों का जवाब नहीं दे पाते हैं और ऑफेंड हो जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमारी बातें सुनना बंद कर दो और ओम इग्नोराय नमः इस मंत्र का जाप करो और चलते बनो। कि कभी आपका किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होता है जो कि आपकी आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, जस्ट इग्नोर हिम, मत सुनिए उसकी बात को, कोई फायदा नहीं है उसकी बात सुनकर, क्योंकि जो आपकी आस्था है वहां पर तर्क का कुछ लेना देना नहीं है। बाकी अगर आप YouTube स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारे जैसे लोगों की वीडियो आपके सामने आ जाती है, आंखें बंद कीजिए, कानों में उंगली डालिए, ओम इग्नोराय नमः मंत्र का जाप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। उनके कहने का ये मतलब है कि परमात्मा में विश्वास करना जो है इरेशनल चीज है। रैशनल सोच तो यही है कि परमात्मा में विश्वास करना लोगों को छोड़ देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमने कई सारे रिसर्च पेपर के आधार पर आपके सामने सिद्ध किया था कि विज्ञान कई चीज़ों को पहले इरेशनल माना करता था, आज जो है आधुनिक शोधों से वह चीज़ जो है रैशनल साइंस को भी लगने लगा है। जैसे कि यज्ञ हुआ, मेडिटेशन हुआ, मंत्र जाप हुआ, आदि आदि जो चीज़ है, प्रार्थनाएं हुई, पहले विज्ञान के हिसाब से जो है ये इरेशनल होता था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक शताब्दी के आधुनिक विज्ञान के खोज से ये चीज़ें विज्ञान ने भी सिद्ध किया कि ये चीज़ें भी रैशनल हैं। तो रैशनलिटी के फील्ड में भी जो है आधुनिक विज्ञान क्या करता है, ये सारे शोध हम आपके सामने आज उपस्थित करेंगे और आपके सामने सिद्ध करेंगे कि सबसे बड़ी रैशनलिटी यह है कि आदमी यह रैशनलिटी की सीमा को समझे कि किस समय जाकर के तर्क का साथ छोड़ करके और इमोशन का साथ देना चाहिए, क्योंकि आदमी के पास इमोशन भी है। आज हम वैज्ञानिक शोधों के आधार पर, न्यूरो साइंस में हुए शोधों के आधार पर आपके सामने यह सिद्ध करेंगे कि केवल रैशनल होने से जो है आदमी जो है निर्णय नहीं ले सकता, रैशनल व्यक्ति कई बार डिसीजन भी नहीं ले सकता, केवल रैशनल होने से जो है एक सुखी जीवन नहीं जिया जा सकता। तर्कसंगत सोच, ये जो रैशनलिटी जो होती है वह तभी तक रैशनलिटी लगती है, तर्कसंगत लगती है, जब वह जीवन के कॉम्प्लिकेशन से नहीं टकराती है। जिस दिन टकराती है उस दिन पता चल जाता है कि सिर्फ रैशनल सोच रखना जो है वास्तव में सबसे बड़ा इरेशनल सोच है। तो आज हम 7 प्रमाण आपके सामने उपस्थित करेंगे और उस पर जो है वैज्ञानिक शोध आदि भी क्या कहते हैं अभी हम आपके सामने उपस्थित करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इमोशंस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे ज़िंदगी में होता है। केवल रैशनल तर्क की वजह से अगर परमात्मा सिद्ध नहीं हो पाता है तो उसको सीधे से खारिज कर देना एक बचकानी बात है। तो सबसे पहला प्रमाण, रैशनल थिंकिंग जो है सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। इस विषय में जो है आधुनिक जगत में हर्बर्ट साइमन, इनका जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। इन्होंने जो है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने जो है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान दिए और इन्हें कई सारे लाइफ टाइम अवार्ड्स भी मिले थे। तो इन्होंने एक बाउंडेड रैशनलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। उनका कहना ये है कि मनुष्य जो है इतने सारे डाटा को नहीं पचा सकता, उसके आसपास जो है हजारों चीज़ें हैं और वो सारे डाटा को नहीं पचा सकता। आदमी का बुद्धि उतना नहीं विकसित है और इस तरह से नहीं बनाया गया है कि इतने सारे डाटा को पचा पाए। उसे इमोशन के आधार पर जो है सेलेक्टिव डाटा उसमें से चूज करना पड़ता है, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चूज करना पड़ता है और तब जो है अपनी समस्याओं का हल निकालना पड़ता है। तो उन्होंने एक शब्द दिया है सेटिस्फाइसिंग। उनका कहना यह है कि आदमी जो है जितने डाटा उपलब्ध होते हैं उसमें से जो है सेटिस्फैक्ट्री और सफिशियंट इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है और उसका काम चल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखिए, इसका उदाहरण से एक हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कल जो है आपको सुबह 4 बजे उठ करके जाना है, फ्लाइट पकड़ना है 7 बजे का, तो आप क्या करते हैं कि 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं। अब कोई PhD करके आ जाए फिलोसफी में, वो कहेगा कि ये तो इरेशनल है, आपने क्या सारे डाटा प्रोसेस किए, आपने सारे पहलुओं को देखा, ये भी तो हो सकता है कि आप रात भर में मर जाएं, क्या आपने रात में वसीयत बनवाया आपने परिवार वालों के नाम की, किसके नाम पे आपकी संपत्ति होनी चाहिए, क्या ये भी तो हो सकता है रात में आप मर जाएं, तो क्या आपने सब लोगों को फ़ोन किया, आप सीधे 4 बजे का अलार्म लगा दिए, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्या आपने जो है अपने सारे परिचित लोगों को फ़ोन किया, तो आप कहेंगे ये तो पागलपन की बात है। तो वही बात है, आदमी के पास हजारों डाटा है, हजारों इन्फॉर्मेशन है और सिर्फ रैशनलिटी के आधार पर जो है जीवन नहीं जिया जा सकता है।
उसमें से आदमी को कई बार सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चूज करने होते हैं, इमोशंस के आधार पर वो चीज़ चूज किए जाते हैं, और तब जो है आदमी जो है कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कई सारे डिसीजन लेता है, और तब जो है उसका जीवन चल पाता है। नहीं तो आदमी हर समय इतने समस्याओं से जूझता रहेगा कि उसका जीवन जीना ही असंभव हो जाएगा। तो केवल जो है हर्बर्ट साइमन के इन शोधों से पता चलता है कि केवल जो है रैशनल थिंकिंग से जीवन के सारे समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। चलिए दूसरा प्रमाण भी हम आपको वैज्ञानिक शोध के साथ बताते हैं कि इमोशन जो है डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। देखिए एंटोनियो डमासियो नाम के जो है एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने जो है एक फीनियस गेज अपने उन्होंने एक पुस्तक लिखी है डेकार्त की गलती। डेकार्त आप जानते हैं बहुत बड़े बुद्धिवादी थे। देखिए हमने आपको पाश्चात्य दार्शनिकों पर अभी भी कोई वीडियो नहीं दिए हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम उस सब पर भी वीडियो आपके सामने उपस्थित करेंगे। पाश्चात्य दार्शनिकों पर हमारा बहुत बड़ा शोध है और हम इस पर एक किताब लिख रहे थे कि व्हाई डिड बोधिधर्म कम फ्रॉम द वेस्ट, जिसमें हमने सारे पाश्चात्य दर्शनों पर जो है प्रकाश डाला है, लेकिन अभी वो 3-4 साल से उस पर काम रुका हुआ है, पता नहीं अब कब पूरा हो पाएगा। खैर जो भी हो, तो डेकार्त जो है संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि बुद्धिवादी कहे जाते थे, रैशनलिस्ट कहे जाते थे। तो उन्होंने जो है ये डेकार्त का एरर, उसकी क्या गलतियाँ थी और इमोशन जो है कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, उस पर जो है उन्होंने पुस्तक लिखी थी एंटोनियो डमासियो ने। उन्होंने एक फिनियस गेज का कॉन्सेप्ट बताया, फिनियस गेज नाम के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनका एक केस बताया है। एक बार क्या हुआ कि कहीं पे वो माइन वगैरह के फील्ड में शायद वो काम करते थे, तो वहाँ पे एक बम फोड़ा जा रहा था, तो अचानक क्या हुआ कि एक रॉड आया और उनको जो है यहाँ से जा करके उनको यहाँ तक यहाँ से निकल गया, तो दिमाग के एक हिस्से को जो है उसने प्रभावित कर दिया, क्योंकि वहाँ से छेद हो गया, तो प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स के एक हिस्से को उसने प्रभावित कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका रैशनल थिंकिंग जो था वो तो इंटैक्ट रहा, लेकिन उनका जो है इमोशनल बैलेंस जो है बिगड़ गया। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि उस एक्सीडेंट से पहले तो वो बहुत ही समझदार इंसान थे, बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर कहे जाते थे, बहुत ही समझदार व्यक्ति कहे जाते थे, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से जो है वो रैशनल तो रहे ही, लॉजिकल थिंकिंग उनका बहुत अच्छा रहा ही, लेकिन डिसीजन मेकिंग उनका इतना अच्छा नहीं रह पाया, क्योंकि उनका इमोशनल सेंटर जो है गड़बड़ा गया और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी रहने लगे। तो इस घटना के आधार पर और इस पर जो है बहुत सारे शोधों के आधार पर न्यूरोसाइंस से उन्होंने साक्ष्य दिए हैं, जिससे उन्होंने यह सिद्ध किया है कि केवल कि अगर ये जो कहा जाता है समाज में कि केवल रैशनल थिंकिंग होना हो जाने से जो है आदमी बहुत अच्छा निर्णय ले लेता है, वो बात बिल्कुल गलत है। आदमी को जो है इमोशन को भी होना चाहिए, इमोशनल सेंटर भी उनका जो है काम करना चाहिए। नहीं तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी सोफा पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आप जहाँ बैठे हुए हैं उसे 1 सेंटीमीटर दाएं भी बैठ सकते थे, 1 सेंटीमीटर बाएं भी बैठ सकते थे, लेकिन आप वहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपने उसी जगह को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जो है आपके पास एक इमोशनल सेंटर है। आपके यहाँ मान लीजिए घर में बहुत सारी कच्ची सब्जियाँ हैं, तो आप ये सब्जी भी बना सकते हैं, वो सब्जी भी बना सकते हैं, तीसरी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन आप वही सब्जी क्यों बनाया गया आपके घर में जो आज बना है? तो ये निर्णय जो है इमोशन के आधार पर लिया जाता है, सिर्फ रैशनल लॉजिक के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि ये चीज़ लें, कि ये सब्जी बनाएं, कि ये सब्जी बनाएं। तो उनका कहना है कि इमोशन जो है डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई आदमी कहे कि हम सारा इमोशन को हटा दें, केवल रैशनल थिंकिंग के हिसाब से चलें, तो वह एक बचकानी बात कर रहा है, वो जीवन को जो है बर्बाद करने वाली बात कर रहा है, वह एकदम इरेशनल बात कर रहा है। हालांकि ऊपर से लगा कि ये तो रैशनल थिंकिंग की बात कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इरेशनल और कुछ नहीं हो सकता। चलिए तीसरा प्रमाण हम आपको देते हैं न्यूरोएथिक्स से। यह न्यूरोएथिक्स जो है एक एथिक्स का जो है एक नया ब्रांच है, जिसमें न्यूरोसाइंस और एथिक्स का अध्ययन किया जाता है, और इसमें फ्री विल आदि पर अध्ययन किया जाता है और ब्रेन का इमेज आदि लेकर के पता किया जाता है कि आदमी जो डिसीजन लेता है वो कैसे लेता है। तो लोगों को कहना है कि नहीं, पहले सोच समझ करके क्या एथिकल है अनएथिकल है, ये सब सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन न्यूरोएथिक्स ये कहता है, न्यूरोसाइंस का साक्षी यह कहता है कि आदमी जो है जो डिसीजन लेता है उससे पहले ही सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई वो डिसीजन एक तरह से ले चुका होता है, और ये दिमाग में जो है ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार जो है वो आदमी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि उसे ये चीज़ एथिकल क्यों लगता है। फॉर एग्जांपल जोनाथन हाइट नाम के एक प्रोफेसर हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका में, तो उन्होंने जो है ये एथिक्स वगैरह पर बहुत सारा काम किया है, और उन्होंने ये सिद्ध किया, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं कि लोगों से पूछा गया कि आपके जो देश का झंडा है उसे अगर हम टॉयलेट साफ करें तो आपको कैसा लगेगा, तो बोलता है कि इसे लगेगा तो खराब, तो वो पूछते हैं कि भाई क्यों खराब लगेगा, तो अधिकांश लोग जो है इसका जवाब नहीं दे पाते। कई सारे ऐसे एथिकल सवाल हैं जिसके बारे में अगर आप लोगों से पूछिएगा
तो वो जो है उसका सही जवाब नहीं दे पाया कि ये उसे गलत क्यों लग रहा है, लेकिन उसका दिल कहता है कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो ये न्यूरोएथिक्स का ब्रांच ये कहता है कि केवल तर्क से सब चीज़ नहीं हल होता है, आदमी के अंदर भीतर एक इमोशनल सेंटर होता है और वो जो है इमोशनल सेंटर भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है निर्णय लेने में। आप उसको जो है नकार नहीं सकते हैं। कोई आदमी तर्क से सिद्ध कर दे कि परमात्मा होता ही नहीं है, लेकिन उसका दिल हमेशा यही कहता रहेगा कि नहीं उसका भगवान को मानता ही रह जाएगा। तो केवल तर्क से कोई चीज़ असिद्ध हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम खारिज कर दें। हाँ, उसकी वजह से समाज को हानि पहुँच रही हो तब एक अलग बात है, तब वहाँ पर जो है और भी बहुत सारी बातें ध्यान देने की होती है। लेकिन न्यूरोएथिक्स तो यही कहता है कि केवल तर्क से जो है एथिकल डिसीजन नहीं लिए जा सकते। चलिए इसी बात पे हम एक चौथा प्रमाण देते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि सबसे बड़ा इरेशनल बिलीफ या फेथ सिस्टम या विश्वास यह है कि आदमी यह सोच ले कि केवल रैशनलिटी से जो है सारे जीवन को समझा जा सकता है। तो यह जो चौथा प्रमाण है वह यह है कि रैशनलिटी जो है कई बार जो है इनएक्शन में आदमी को ले जाती है। बहुत ज़्यादा आदमी तर्क से विचार करने लगे तो कई बार जो है एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, ऐसा मनोविदों का कहना है। देखिए, एक सोरेन किर्कगार्ड नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने किताब लिखी है आइदर और, यह उनके जीवन की कहानी है। वो जिंदगी में भी ऐसा ही होता था, हर चीज़ में आइदर और हमेशा कन्फ्यूज रहा करते थे। वो चौराहे पर चले जाते थे और सोच में पड़ जाते थे कि दाएँ जाएँ कि बाएँ जाए। और आप भी अगर केवल रैशनल थाट के हिसाब से डिसाइड कर लेना चाहें तो वो होने वाला नहीं है। सारे ऑप्शन पर विचार करते 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 अगर आप सोचने लग जाएं तो आप भी एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाएंगे, आप कई बार जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, इसी बात पे हम आपको एक पांचवें प्रमाण की ओर ले चलते हैं जिसे यह सिद्ध होता है कि जो लोग यह सोचते हैं कि केवल रैशनलिटी से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, उन्होंने अभी तक सही सवाल पूछे ही नहीं हैं। जी हाँ, रैशनलिटी से जो है ह्यूमन रिलेशनशिप को न समझा जा सकता है न उसको निभाया जा सकता है। जी हाँ, अभी पश्चिम में जो है डैनियल गोलमैन नाम के जो है एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने कई सारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, कई सारे उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो उनका ये कहना है कि केवल जो है रैशनलिटी के हिसाब से जो है रिश्ते नहीं चलने वाले हैं। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज है, मर रहा है, और आप जा करके जो है हॉस्पिटल में चले जाएँ, उसको कहें कि भाई तुम जियो या मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे किताब में जो है मेरे एथिक्स के किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई मरता हुआ आदमी से जाकर के एक बार मिल लेना चाहिए, इसलिए लॉजिकली ये रैशनली ये करेक्ट है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया, तुम जियो मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बताइए उसको मिलकर के आपसे खुशी होगी क्या, उसके साथ आपका कोई रिश्ता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो डैनियल गोलमैन साहब का कहना है कि केवल रैशनलिटी से जो है रिश्तों को नहीं निभाया जा सकता है, ना ही जिंदगी चलने वाली है। चलिए इसी बात पे हम आपको एक छठे प्रमाण की ओर ले चलते हैं। यह कहता है कि बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकिंग की वजह से जो है जीवन में खुशियाँ नहीं आती बल्कि दुखी आते हैं, अनहैप्पीनेस ही आती है। और इसमें इस विषय में जो है सबसे अधिक शोध किया था प्रोफेसर एड डायनर ने। जी हाँ, ये एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में, और इन्होंने हैप्पीनेस पर बहुत ज़्यादा काम किया था, कई सारे इनकी पुस्तकें भी आती हैं, इनको कई लोग डॉक्टर हैप्पीनेस के भी नाम से जानते थे। तो इन्होंने जो है एक साइकोलॉजिकल वेल्थ की बात की है, उन्होंने कहा है कि केवल धन संपत्ति असली वेल्थ नहीं होता है, साइकोलॉजिकल वेल्थ जो खुशहाली जो होती है, खुशी जो होती है वह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा खाली रैशनल थिंकिंग ही आदमी करता रहे तो उसे जीवन में खुशी नहीं आने वाली है बल्कि दुख ही आने वाला है। जीवन में खुश रहने के लिए आपके इमोशनल सेंटर को भी जो है उतना ही केयर मिलना जरूरी है जितना रैशनल सेंटर को मिलना जरूरी है। कोई आदमी रैशनल सेंटर की उपेक्षा कर दे और केवल इमोशनल सेंटर को क्या कहते हैं इमोशनल सेंटर की उपेक्षा कर दे और केवल रैशनल सेंटर के हिसाब से निर्णय ले ले तो उसके जीवन में खुशहाली आने वाली नहीं है। देखिए, ये आप एक रैशनलिस्ट थिंकर के विचार आप यहाँ पे देखिए। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, मुझे भी जब कोई अपने धर्म की अच्छी बात पता चलती थी तो पता नहीं क्यों अंदर से खुशी सी होती थी। तो इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि जब आप रैशनल होने लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट से लड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, कई लोग केवल तर्क के आधार पर जो है अपने धर्म को छोड़ देते हैं, तर्क से जो है धर्म आदि की बातें सिद्ध नहीं होती है तो वो छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने इमोशनल सेंटर को देखा ही नहीं, उन्होंने बस केवल तर्क को देखा, तो इससे जो है लॉन्ग टर्म में जीवन में खुशी नहीं आने वाली है। प्रिय दर्शकों, केवल परमात्मा आपके तर्क की कसौटी पर नहीं बैठता, धर्म जो है आपके तर्क की कसौटी पर सही नहीं बैठता है। उसके लिए अगर कोई जो है अपने इमोशन का त्याग करके केवल जो है तर्क के आधार पर यह निर्णय ले ले कि धर्म को छोड़ दे तो वो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी संगीत का इसलिए त्याग कर दे क्योंकि वो उसके मैथमेटिकल इक्वेशन पर ठीक नहीं बैठ रहा है। खैर, मर्जी है उनकी, वो जो है इन सारे शोधों को नकार करके और केवल अपने रैशनलिटी के
थ्योरी पे जो है अंधविश्वास करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, वो भी जो है ये सारे रिसर्च को जो है ओम इग्नोराई नमः करके इग्नोर कर सकते हैं और अपने रैशनलिटी के सिद्धांत पे अड़े रह सकते हैं, लेकिन उससे उनके ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं आने वाली है। चलिए चलते चलते हम एक आखिरी प्रमाण आपको दे देते हैं कि साइंस के भी कई समस्याओं को हल करने के लिए जो है आदमी को रैशनलिटी थिंकिंग का त्याग करना पड़ता है, केवल रैशनल थिंकिंग से जो है साइंस के भी कई समस्याओं का हल नहीं हो पाता। देखिए हमने आपको बताया था कि 1960s में थॉमस कून ने एक किताब लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, ये ग्रंथ जो है हर किसी को जो भी साइंस के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उन्हें अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट की बात की है, उन्होंने कहा है कि विज्ञान जो है किसी एक सिद्धांत पर विश्वास कर लेता है और जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे वो ये सिद्ध करने में लग जाता है कि हमारा जो थ्योरी है सही है। देखिए इस ऑब्जर्वेशन से भी ये सिद्ध होता है कि हमारा थ्योरी सही है, इस ऑब्जर्वेशन से भी सिद्ध होता है कि हमारा थ्योरी सही है। जैसे कि मान लीजिए ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया था न्यूटन ने, बाद में आइंस्टीन साहब ने आकर के ये सिद्ध कर दिया कि नहीं वो थ्योरी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सही नहीं बैठता है। तो उनकी बात को समझने के लिए आदमी को एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है और वो केवल रैशनल थिंकिंग से नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि रैशनल थिंकिंग तो यही कहेगा कि जो हमारा पुराना सिद्धांत है उससे आपका सिद्धांत तो गलत बैठ रहा है, तो एक के हिसाब से दूसरा गलत है, दूसरे के हिसाब से पहला गलत है। कून साहब कहते हैं कि नहीं, इसमें पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो है आप जो है सत्य को नहीं उपलब्ध हो सकेंगे। तो वहाँ पे भी जो है इमोशनल थॉट की आवश्यकता लोगों को पड़ जाती है, केवल रैशनल थिंकिंग से जो है आदमी साइंटिफिक भी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, सबसे समझदार और रैशनल व्यक्ति वह होता है जो रैशनलिटी की लिमिट को भी जानता है, उसकी सीमा को भी जानता है और समझता है कि कब दिमाग की उपेक्षा कर देनी चाहिए और कब दिल की बात सुननी चाहिए, क्योंकि दिल लेफ्ट में होता है मगर कई बार हमेशा राइट होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने इन बातों को ठीक से समझा हो तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बात की कोई भी आदमी कितने भी तर्क और प्रमाण के आधार पर अगर आपको ये सिद्ध करना चाहे कि आपकी जो आस्था गलत है, आपके भगवान गलत हैं, आपको जो है भगवान पर से अश्रद्धा कर लेनी चाहिए, शास्त्रों पर से अश्रद्धा करनी चाहिए, धर्म पर से अश्रद्धा कर लेनी चाहिए, तो केवल इस तर्क के आधार पर जो है धर्म को छोड़ देना एक इरेशनल विचार है। अगर आज के बाद जो है भले ही आप उसके तर्कों को खंडित नहीं कर सकें, भले ही आप उसके तर्कों को गलत नहीं सिद्ध कर सकें, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं अवश्य कहेगा कि उनका जो तर्क जो है कितना ही रैशनल क्यों न लगे कहीं ना कहीं वो इरेशनल अवश्य है। प्रिय दर्शकों, आज के बाद कोई जो है आपको धर्म से विमुख करने की कोशिश करे इरेशनल थिंकिंग के नाम पे, तो उसको यह वीडियो दिखा दीजिएगा और कहिएगा कि आप भी जो है ये जो है इन सारे रैशनल थॉट के जो है लिमिटेशन को बताने वाले जो शोध हैं उन सबको जो है नज़रअंदाज कर दीजिए और बस ओम इग्नोराई नमः का जाप करते हुए अपने रैशनल थिंकिंग वाले दुनिया में लगे रहिए। लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी में कोई खास खुशी पढ़ने वाली नहीं है, बल्कि दुख आने ही वाला है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजे ही तर्क सब त्यागी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शास्त्रों से संबंधित बातों को इसी तरह से प्रमाणों के आधार पर समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।